करही थाना क्षेत्र की 3 नाबालिग लापता हुई बच्चियों के मामले में मात्र 12 घंटे में पुलिस को मिली सफलता। राजस्थान के अजमेर से किया रेस्क्यू। एक ही परिवार की 3 नाबालिग बच्चियों के लापता होने का मामला पुलिस की सजगता से मात्र 12 घंटे में ही तीनों नाबालिग बच्चियों को राजस्थान के अजमेर से रेस्क्यू किया गया। इंदौर से अजमेर के लिए तीनों बालिकाएं बस से रवाना हुई थी। घर से जाने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। खरगोन SP धर्मवीर सिंह द्वारा राजस्थान पुलिस को भी सूचना दी गई थी। बच्चियों में राधिका, रिया और रितिका शामिल है। तीनों पर SP धर्मवीर सिंह ने 10,000 रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा भी की थी। यह घटना करही थाना क्षेत्र के कतर गांव की है। करही क्षेत्र में लगभग 2 बजे ये जानकारी मिली थी कि एक ही परिवार की 3 अवयस्क बालिकाएं अचानक से घर से गायब हो गई हैं। करीब 11 बजे घर से निकली थी और 3 माइनर गर्ल्स का इस तरह से गायब होना एक चिंता का कारण था। इसमें इमीडिएटली केस रजिस्टर किया गया और कई टीमें इसमें बनाई गई थी। बाद में ये जानकारी मिली बडवा से कि इनके द्वारा कोई मोबाइल फ़ोन की सिम एक्टिवेट कराई गई है और एक टीम इंदौर गई थी, तो ये पता लगा कि अजमेर जाने वाली बस में इनको देखा गया है। तो अजमेर के बस के कंडक्टर से संपर्क किया गया। पूरे ऑपरेशन में लेट नाइट तीनों बालिकाओं को सुरक्षित तरीके से अजमेर के थाने में बरामद करा लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है। हमारी टीम भी पहुँचने वाली है तो उनको लेके यहाँ खरगोन पहुँचेंगे। इसके बाद उनके सक्षम न्यायालय में 164 के स्टेटमेंट होंगे, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि किन परिस्थितियों में घर से गायब हुई थी। ओवरऑल एक अच्छा ऑपरेशन है जिसमें लगभग 12 घंटे के अंदर ही तीनों बच्चियों को सुरक्षित तरीके से रिकवर कर लिया गया। इन बच्चियों की बरामदगी के लिए 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। कई आम नागरिकों ने भी अच्छी मदद की और फैमिली वालों का हम लोग लगातार टच में थे। तो बच्चियाँ आ जाएंगी, वो एक बार कोर्ट में उनके स्टेटमेंट होंगे तभी घटना किस तरीके से हुई और किन परिस्थितियों में हुई है उसकी जानकारी मिलेगी। डिजियाना न्यूज निमाड़ रिपोर्ट, खरगोन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट